नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा समाचार। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने किया राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत जी ने सोलन के माल रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर का लोकार्पण किया। डॉक्टर मोहन भागवत जी ने मंदिर का लोकार्पण करने के बाद मूर्तियों का अनावरण भी किया। इस अवसर पर सरसंघचालक जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य समाज को जोड़ना और एक करना है। देश के सभी धर्मों का निचोड़ गीता है, जिसका संदेश विश्व को कर्म की प्रेरणा देते हुए धर्म का मार्ग दिखाना है। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके अलग अलग युगों में हुए 5 अवतार विराजमान हैं। मंदिर को पूजा अर्चना व मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। समारोह में महंत कारंजेकर बाबा के साथ मुंबई, पंजाब व हरियाणा से भी संतों व महात्माओं ने शिरकत की। सहसर कार्यवाह मनमोहन वैद्य जी ने कहा, भारतीयों में है आत्मनिर्भर बने रहने की क्षमता। कल्याणकारी राज्य भारत का विचार नहीं है, हमारे समाज में आत्मनिर्भर बने रहने की क्षमता है। ये विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसर कार्यवाह मनमोहन वैद्य जी ने भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों को संबोधित करते हुए व्यक्त किए। भगवान विश्वकर्मा जयंती पर राष्ट्रीय श्रम दिवस का यह कार्यक्रम भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश द्वारा नई दिल्ली स्थित NDMC कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। अपने संबोधन में मनमोहन वैद्य जी ने आगे कहा कि हमारा समाज परंपरागत रूप से साहसी रहा है और उसमें आत्मनिर्भर बने रहने की क्षमता रही है। हर चीज के लिए सरकार पर निर्भर ना रहकर समाज आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि यह हमारे समाज की ताकत ही थी कि 850 वर्षों तक मुगल शासन के अधीन रहने के बावजूद 15% से भी कम लोगों का इस्लाम में धर्मांतरण कराया जा सका व 3% से भी कम लोगों को जबरन या फिर छल के जरिए ईसाई बनाया जा सका। इस अवसर पर केंद्रीय श्रम मंत्री श्री संतोष गंगवार जी व भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विरजेश उपाध्याय जी ने भी श्रमिकों को संबोधित किया। हरियाणा के गुरुग्राम में खुलेगा वेद विश्वविद्यालय। विश्व हिंदू परिषद कराएगी वैदिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी की पढ़ाई। विश्व हिंदू परिषद द्वारा वेद विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। दिल्ली गुरुग्राम सीमा पर सिहरौल के समीप विश्वविद्यालय खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वेद विश्वविद्यालय में विद्यार्थी आधुनिक वैदिक विज्ञान व प्रौद्योगिकी की पढ़ाई कर सकेंगे। वेद विश्वविद्यालय का नाम विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल जी के नाम पर रखा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन के अनुसार विश्वविद्यालय का उद्देश्य आधुनिक विज्ञान व वैदिक ज्ञान को एक साथ एक मंच पर लाकर भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। संस्कृतियों का समावेश और एयरपोर्ट से नजदीकी के कारण विश्वविद्यालय गुरुग्राम के सिहरौल बॉर्डर के नजदीक बनाया जाएगा। विभिन्न योजनाओं के अनुसार विद्यार्थियों को आधुनिक व वैदिक विधि से शिक्षा देने के साथ ही विश्वविद्यालय में वैदिक टावर भी बनाया जाएगा। ऑडियो विजुअल स्टूडियो के साथ हर कक्षा में वेद और उससे जुड़े साहित्य और पौराणिक ग्रंथ भी उपलब्ध होंगे। विश्वविद्यालय में सुरभि सदन यानी गौशाला, मंदिर और मेडिटेशन हॉल के अलावा यज्ञशाला भी होगी। यहां पर पौराणिक शैली में पढ़ाई करवाने के लिए ओपन एयर कक्षाएं लगाए जाने की भी तैयारियां हैं। इस वेद विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर तक की पढ़ाई करवाई जाएगी। विश्वविद्यालय में शुरुआत में कृषि तंत्रम, वास्तु तंत्रम, पर्यावरण विज्ञान, लिपि विज्ञान और युद्ध तंत्रम सहित कुल 20 कोर्स करवाए जाएंगे। विद्यार्थी वेदों के अध्ययन के साथ साथ उन पर शोध भी कर सकेंगे। और अब 19 सितंबर का इतिहास। वेदों के सुप्रसिद्ध भाष्यकार पंडित श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का जन्म 19 सितंबर 1867 को महाराष्ट्र के सावंतवाड़ी रियासत के कोल गांव में हुआ था। सावंतवाड़ी में उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ली व चित्र और मूर्ति कला का रुचिपूर्वक अध्ययन किया। 22 वर्ष की अवस्था में वे मुंबई आ गए। यहां उनकी कला परिमार्जित हुई व उन्हें अनेक पुरस्कार मिले।
उनके द्वारा वेदों के बारे में लिखे लेख लोकमान्य तिलक जी ने केसरी में प्रकाशित किए। सन 1900 में वे आर्य समाज से जुड़े और ऋषि दयानंद के कई ग्रंथों का अनुवाद किया। वेदों में बलि प्रथा नहीं है इसे सिद्ध करते हुए उन्होंने कई लेख लिखे। उन्होंने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त को वैदिक राष्ट्रगीत बताकर एक पुस्तिका लिखी। वे थियोसोफिकल सोसाइटी के सदस्य भी बने। उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार में चित्रकला तथा वेद अध्यापन भी किया। श्रीपाद जी ने लाहौर में सातवलेकर आर्ट स्टूडियो स्थापित कर चित्रकला व फोटोग्राफी भी प्रारंभ की। औंध में स्वाध्याय मंडल स्थापित कर उन्होंने वेदों का अनुवाद किया। दक्षिण की अनेक रियासतों में उन्होंने प्रजा परिषद का गठन कर जागृति फैलाई। उनके प्रयास से औंध में स्वराज्य का संविधान लागू हुआ। 1936 में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और औंध में संचालक बने। वे गुजरात के बलसाड़ स्थित पारडी ग्राम में बस गए। यहाँ उन्होंने वेद मंदिर स्थापित किया। 100 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आयोजित समारोह में सरसंचालक श्री गुरुजी ने उन्हें मानपत्र समर्पित किया। 31 जुलाई 1969 को वेदों के भाष्यकार, स्वाधीनता सेनानी तथा श्रेष्ठ चित्रकार पंडित सातवलेकर जी के सक्रिय जीवन ने 102 वर्ष की आयु में विश्राम पाया। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।